हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय सेल्फ दीपाली शाह एंड यू आर वाचिंग दीपाली मैम साइंस क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बारे में बताने वाली हूँ। तो हम लोग जो है आज के वीडियो में ये देखेंगे कि सेल का स्ट्रक्चर क्या है, उसके डिफरेंट ऑर्गेनल्स क्या है, उसके छोटे छोटे जो सेल में स्ट्रक्चर्स जो फाउंड होते हैं उसको ऑर्गेनल्स कहते हैं, और वो ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, इस बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आज का वीडियो मैं स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। तो हमारा जो सबसे पहला हमारा टॉपिक है वो क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल। जैसे कोई भी एक सेल होता है, उस सेल में क्या होता है, कुछ एक बेसिक चीज़ें, बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेकंड थिंग क्या है, यहाँ पे न्यूक्लियस, राइट। और यहाँ पे एक फ्लूड लाइक मटेरियल होता है जिसको साइटोप्लाज्म कहा जाता है। और जो एक प्लांट सेल होता है उसमें और एक मेम्ब्रेन होता है जिसको सेल वॉल कहा जाता है, ठीक है। तो कुछ बेसिक कंपोनेंट्स जो होते हैं वो क्या क्या है, क्या है, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ये कुछ बेसिक कंपोनेंट्स है। पहले हम लोग इस बेसिक कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे, देन हम लोग इसके ऑर्गेनल्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सेल वॉल क्या है, देखो सेल वॉल जो है इट इज फाउंड ओनली इन प्लांट सेल। ये किसमें फाउंड होता है, ये सिर्फ प्लांट सेल में ही पाया जाता है, ठीक है। साथ में ये किस चीज से कंपोज होता है, ये कंपोज होता है, इट इज मेड अप ऑफ सेल्युलोज एंड पेक्टिन। इट इज कंपोज ऑफ सेल्युलोज एंड पेक्टिन। तो ये सेल्युलोज और पेक्टिन से बना हुआ होता है। साथ में ये क्या करता है कि प्लांट सेल को एक तरह से रिजिडिटी प्रोवाइड कराता है, ठीक है, प्रोवाइड्स रिजिडिटी और स्ट्रेंथ, रिजिडिटी एंड स्ट्रेंथ टू द प्लांट सेल, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या करता है, एक तरह से रिजिडिटी और स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। ये सेल्युलोज और पेक्टिन का बना हुआ होता है और ये सिर्फ प्लांट सेल में ही फाउंड होता है, ये एनिमल सेल में नहीं पाया जाता, ठीक है। आपको समझ में आ गया सेल वॉल क्या होता है। सेकंड थिंग क्या है, सेल मेम्ब्रेन। अब ये सेल मेम्ब्रेन जो होता है इसको आप एनिमल सेल में भी देख सकते हो और प्लांट सेल में भी देख सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया था मैंने लास्ट वीडियो में, तो जिसने वो वीडियो नहीं देखा आप लोग जाके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा सेल मेम्ब्रेन के बारे में मैं आपको क्या बता रही हूँ। अभी आप ये देखो, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन जो है वो प्लांट सेल में भी प्रेजेंट है, एनिमल सेल में भी प्रेजेंट है। बट प्लांट सेल में क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन के ऊपर और एक मेम्ब्रेन है, और एक वॉल होती है जिसको सेल वॉल कहते हैं। बट जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो एनिमल सेल का एक प्रोटेक्टिव या आउटर कवरिंग लेयर या मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। बट प्लांट सेल में क्या देखोगे कि उसी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर और एक प्रोटेक्टिव लेयर है जिसको सेल वॉल कहते हैं, ठीक है। अब ये सेल मेम्ब्रेन जो होता है इसी को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेलेक्टिवली परमीबल मेम्ब्रेन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेलेक्टिवली परमीबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिवली परमीबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है कि ये सेल के अंदर कुछ मटेरियल्स को अंदर आने के लिए अलाउ कर रहा है और कुछ मटेरियल्स को सेल से बाहर जाने के लिए अलाउ कर रहा है। तो ये मटेरियल्स बेसिकली जो है वो वाटर और गैसेस होते हैं, ठीक है, कुछ एंजाइम्स, हार्मोन्स, ये सारी भी चीज़ें भी होती है। तो ये इसीलिए इसको सेलेक्टिवली परमीबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन। तो ये फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन से मिलके बना हुआ होता है, ठीक है। साथ में ये जैसे कि
आपको मैंने बताया कि ये जैसे प्रोटेक्टिव लेयर है आउटर कवरिंग, तो जिस कारण से ये सेल के अंदर के कंपोनेंट्स को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आने से एक तरह से प्रोटेक्शन का भी काम करता है। ठीक है, क्या होता है कि सेल के अंदर जो भी कंपोनेंट होते हैं ये सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, उसको बाहर आने से रोकता है, उसको एक तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। तो ये सेल मेम्ब्रेन होता है। नेक्स्ट क्या है आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है वो क्या है, अब आप देखो न्यूक्लियस क्या होता है, किसी भी सेल में न्यूक्लियस, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे वो एनिमल सेल हो, दोनों में ही न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस है उसका कोई एक मेम्ब्रेन अगर प्रेजेंट नहीं होता है, मतलब कि वो वेल डेवलप्ड नहीं होता है, जो कि न्यूक्लियोइड के रूप में रहता है और वो प्रोकैरियोटिक सेल होता है। बट यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है और जो न्यूक्लियस के अंदर जो भी मटीरियल होता है वो उस मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस जो कि एक सेंटर, न्यूक्लियस क्या होता है, सेंटर ऑफ द सेल, सेंटर ऑफ द सेल, और वो क्या करता है सारी चीजों को, सेल को कंट्रोल करने का काम भी क्या कौन करता है, न्यूक्लियस। ठीक है, ये क्या न्यूक्लियस का काम क्या होता है, एक तरह से ये सेल को कंट्रोल करता है। ठीक है, इसके बाद न्यूक्लियस में ही एक जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, और ये जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए, जो कि किसमें प्रेजेंट होता है, जो कि क्रोमोसोम्स में होते हैं। ठीक है, और ये क्रोमोसोम्स कहाँ फाउंड होते हैं, इसी न्यूक्लियस के अंदर ही ये क्रोमोसोम्स जो होते हैं ये फाउंड होते हैं। अब देखो कि न्यूक्लियस के अंदर एक सेमी सॉलिड फ्लूइड पाया जाता है, सेमी सॉलिड फ्लूइड इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या कहते हैं इसको, न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। ठीक है, अब इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में छोटे छोटे इसमें पोर्स होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि न्यूक्लियस के अंदर की मटेरियल साइटोप्लाज्म में आ सकती है, और जो साइटोप्लाज्म में जो भी मटेरियल है वो, मतलब कि जो भी उसका एब्जॉर्प्शन करना होता है वो इस न्यूक्लियर पोर के द्वारा वो न्यूक्लियस के अंदर जा सकता है। ठीक है, तो ये तो था आपका न्यूक्लियस। अब हम लोग इसके कुछ ऑर्गेनल्स के बारे में बात करेंगे, नहीं साइटोप्लाज्म, और एक हमारा और एक चीज रह गया साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है देखो, तो आपको यहाँ पे न्यूक्लियोप्लाज्म समझ में आया ना, न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर है। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो न्यूक्लियोप्लाज्म है। अब जो साइटोप्लाज्म है ये कहाँ फाउंड होता है, बिटवीन द न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन, कहाँ पे प्रेजेंट होता है ये, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन इन दोनों के बीच में जो एक फ्लूइड लाइक मटेरियल है, इट इज फ्लूइड लाइक मटेरियल, ठीक है, तो ये एक फ्लूइड लाइक मटेरियल है जो कि आपको कहाँ देखने को मिलेगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच में, और इसी साइटोप्लाज्म में ही बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो डिस्पर्स्ड होते हैं, और उन्हीं छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स को ही क्या कहा जाता है, सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। तो सेल ऑर्गेनल्स आर डिस्पर्स्ड इन साइटोप्लाज्म। ओके, तो इसी में क्या होते हैं, साइटोप्लाज्म में ही सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो डिस्पर्स्ड होते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स के बारे में। तो सेल ऑर्गेनल्स में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे क्या क्या, देखो सेल ऑर्गेनल्स क्या क्या है पहले हम इस बारे में बात करेंगे, देन हम आगे बढ़ेंगे क्या है। सेल ऑर्गेनल्स क्या क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स, इसके बाद गॉल्जी एपरेटस। ठीक है, गॉल्जी अपरेटस, इसके बाद
लाइसोजोम्स, लाइसोजोम्स। तो ये सभी क्या है, ये सभी जो है ये सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म में ही डिस्पर्स्ड होते हैं, और इनके सभी के क्या होते हैं, अलग अलग फंक्शंस होते हैं। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया देखो, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, इसको पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल। वाई, क्यों, ऐसा क्यों होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, एरोबिक रेस्पिरेशन करता है। उस एरोबिक रेस्पिरेशन में ये एटीपी के रूप में एनर्जी को एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो सेल में कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, और वहाँ पे एटीपी फॉर्म करती है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एटीपी, एटीपी मतलब एडिनोसिन, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। और यहाँ पे एनर्जी रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, राइट, किसके रूप में होती है एनर्जी, एटीपी के रूप में होती है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। ठीक है, और ये कहाँ पे होता है, ये एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो भी आपको माइटोकॉन्ड्रिया में ही देखने को मिलेगी। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, इसको पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, और एनर्जी जो रिलीज होती है उसमें एटीपी के रूप में होती है, राइट। इसके बाद हम लोग बात करेंगे प्लास्टिड्स के बारे में। प्लास्टिड्स जो होता है ये आपको पता होगा, मैं आपके आपने देख लिया होगा इसके पहले वाले वीडियो में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि प्लास्टिड्स जो होते हैं इट इज़ प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। ठीक है, और ये प्लास्टिड्स कितने टाइप्स के होते हैं, थ्री टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एक होता है क्रोमोप्लास्ट, एक होता है क्लोरोप्लास्ट, और एक होता है ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, तो ये थ्री टाइप्स के होते हैं। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, जो कि कलरफुल होता है, ये जो है ये कलरफुल होता है। इट इज ऑल्सो क्लोरोप्लास्ट इज ऑल्सो कलरफुल, बट इट इज ग्रीन इन कलर। ठीक है, जिसको क्लोरोफिल कहते हैं, ये ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, ग्रीन इन कलर कॉल्ड एज क्लोरोफिल। और ल्यूकोप्लास्ट जो है ये कलरलेस होता है। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट जो कि कलरफुल है, और इसी के कारण ही क्या होता है कि किसी भी प्लांट में जो फ्लावर्स होते हैं या फ्रूट्स होते हैं उसका कलर जो होगा वो क्रोमोप्लास्ट के कारण होते हैं। ठीक है, और ये जो है कैरोटीनॉयड पिगमेंट्स होते हैं, इसमें जो पिगमेंट प्रेजेंट होता है वो कैरोटीनॉयड होता है। जो क्लोरोप्लास्ट है इसमें ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको क्लोरोफिल कहते हैं, और इसी के कारण ही जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं, फूड प्रिपेयर कर पाते हैं। ठीक है, जो ल्यूकोप्लास्ट है ये कलरलेस होते हैं, और इसका मेन फंक्शन होता है स्टोरेज का काम, ये एक तरह से स्टोर करने का काम करता है, राइट। तो आज जो है, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को यहीं तक बताऊंगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग वेट करो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंड लाइक करना मत भूलना, और सब्सक्राइब जिसने नहीं करा वो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। बाय।